अभी 6 महीने पहले 70 लाख की लागत से रामपुर गेट में नई सड़क बनाई गई। पानी भरा हुआ है, डेंगू के मच्छर हो रहे हैं, लावा निकल रहा है इसमें। अगर लोग शराब पीते हैं नगर पालिका में तो उसका भी टैक्स दे रही है, तो ये नगर पालिका नहीं नरक पालिका बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूँ अनुष्का राय, भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। खबर गुरुग्राम के पटौदी से है, जिसको स्पॉन्सर किया है ग्रह शोभा प्लाईवुड सैनेटरी एंड हार्डवेयर ने। हेली मंदिर नगर पालिका में लोग सीवर के गंदे पानी के जल भराव से परेशान हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह हेली मंदिर के मुख्य बाजार का है, जहां पर सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर दुकानों के सामने भरा रहता है। इस पर लगातार लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही मच्छर जनित बीमारियों से भी परेशान होना पड़ता है। लोगों का कहना है कि मात्र 6 महीने पहले यह नया रोड बनाया गया था, परंतु लोगों के कहने के बावजूद भी नई सीवर लाइन नहीं डाली गई और मौजूदा सीवर लाइन में शुरू से ही लेवल इत्यादि की समस्या बनी हुई है। साथ ही नए रोड का लेवल भी ठीक से नहीं किया गया है, जिससे दुकानों के सामने बरसात व सीवर के पानी का जलभराव लगातार होता रहता है। इस पर अगर लोग खुद कुछ करने की सोचते हैं तो वह अतिक्रमण में माना जाएगा, परंतु प्रशासन स्वतः कुछ भी नहीं कर रहा है। कुछ ऐसा ही दृश्य नगर पालिका में जाटोली गाँव का भी है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां लोग किस तरह से रोड से गुजरने को मजबूर हैं। इस सीवर लाइन का एकमात्र उपाय यही है कि इस रोड को काट कर दोबारा से सीवर लाइन डाली जाए, परंतु प्रशासन ऐसा करने से कतरा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा किया तो न्यूज़ व समाज के माध्यम से आवाज़ उठाई जाएगी कि रोड बनाते हुए ही इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। देखिए दुकानदारों का इस पर क्या कुछ कहना है। मैं द्वारका प्रसाद रुस्की, XMC हिली मंडी। मेरी दुकान यहाँ रामपुर गेट पर है। अभी कुछ महीने पहले म्यूनसिपल कमेटी ने ये रोड बनाई, कम से और जिसका ये हाल है कि सब दुकानों के आगे पानी भरता है, शिविर का पानी भरता है, मेन बाज़ार है। और हम हर तरह से, हर हाल में जब बन रही थी तब से आज तक, हर तरह से कह के थक गए सब अधिकारियों से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम नरक में जी रहे हैं यहाँ पर। ये मेन बाज़ार है, मेन रोड है, हेली मंडी का एंट्री गेट है, और उसकी ये हालत है। अब मुझे नहीं मालूम कि इसको किसको ठीक करना चाहिए। कोई पब्जी हेल्थ को कहता है, कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है। हम लोग वास्तव में नरक का जीवन जी रहे हैं यहाँ पर। अभी 6 महीने पहले 70 लाख की लागत से रामपुर गेट में नई सड़क बनाई गई, और ऐसी विडंबना की बात है कि पूरे हेली मंडी क्षेत्र के अंदर सीवर की पाइपलाइनें डली है, जो कि HDP रामपुर गेट से होकर जुड़ती है। और ऐसी विडंबना की बात है कि म्यूनसिपल कमेटी ने पब्लिक हेल्थ को NOC दे दी, और जबकि यहाँ पाइपलाइन नहीं डली गई थी। आए दिन यहाँ पानी खड़ा रहता है, आपके सामने ये पानी भरा हुआ है, डेंगू के मच्छर हो रहे हैं, लावा निकल रहा है इसमें से, प्रॉपर है। कोरोना के महामारी में दुकानदार बड़े परेशान थे, सुबह पानी सीवर से निकलते हैं, दुकानों को आगे खड़ा रहता है पानी। यहाँ कई बार कंप्लेंट करने के बाद मेरे पास स्वच्छ ऐप जो बीजेजी ने बना रखी है, मुख्यमंत्री ये जो गृह मंत्री जी ने, उस पर 20 बार मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, उसमें से उस पर रिटर्न भी है मेरे पास। नगर पालिका चेयरमैन है, पार्षद साहब से 20 बार कह चुके, 70 लाख की लागत से सड़क बन चुकी, HDP से मेन पाइप जुड़ती है, अनऑथराइज कॉलोनियों में सीवर पाइप बन चुकी, पर यहाँ नहीं डली। म्यूनसिपल कमेटी में इतना टैक्स देते हैं कि स्वच्छ इंडिया को माध्यम से जो कूड़ा उठाते हैं उसको भी टैक्स देते हैं हम। नगर पालिका क्षेत्र में गाड़ी चलाते हैं तो उसके 400 रुपये टैक्स देते हैं हम, गाड़ी चलाते हैं तो उसका टैक्स देते हैं हम, बिजली के बिल हम देते हैं, ये उस पर कमेटी को टैक्स देते हैं हम। अगर लोग शराब पीते हैं नगर पालिका में तो उसका भी टैक्स दे रही है, तो ये नगर पालिका नहीं नरक पालिका बन चुकी है। हाउस टैक्स अलग से है, ज़्यादा इनकी शिकायत कर दो तो हमारे घर को नपवा देंगे, हमारे घर को तोड़वा देंगे। लोग बाग अफसर से कहते हैं कि CM Indo लगा दो, अरे CM Indo भी तीन अफसरों ने खोल लिए। CM Indo लगा रहे हैं तो CM Indo लगाएंगे एक हफ्ता कई बात, और फिर CM Indo भी नहीं लोगों ने खोल लिए, कहाँ लगाए CM Indo? CM साहब तो आने के नहीं आ, इन अफसरों ने सरकार की ऐसी तेजी कर रखी है।